नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा शाही बावली, जिसे बड़ा इमाम बाड़ा के ठीक बगल में इसे बनाया गया है और काफ़ी यह प्राचीन यह धरोहर है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम इसके अंदर चलेंगे और आपको ये खूबसूरत इमारत दिखाते हैं। ये जो शाही बावली है, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नयाब नमूना है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं और आपको ये शाही बावली दिखाते हैं। इस शाही बावली का निर्माण सन 1784 से लेकर 1794 के बीच में नवाब आसिफुद्दौला द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और देख सकते हैं इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि इसे मूल रूप से जल भंडार के लिए इसका निर्माण कराया गया था, क्योंकि उस समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से नवाब आसिफुद्दौला द्वारा यहाँ पर पानी के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके, इसके लिए यहाँ पर इस बावली का निर्माण कराया गया। और ये जो बावली है, ये बावली भी एक भूल भुलैया की तरह है। लोग अगर इसमें घूमेंगे तो एक तरीके से भूल भुलैया उसको समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा ही ये बावली है। कहते हैं उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से उस टाइम में यहाँ पर पानी और भोजन की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी। और इसीलिए उस ज़माने में नवाब आसिफुद्दौला ने यहाँ पर इस शाही बावली का निर्माण कराया गया, जिसमें जल भंडार किया जा सके। और आज भी इसमें जल देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यही जो सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे उतर कर जाना पड़ता है। तो आइए हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इसका जो जल है, इसमें गोमती नदी से भी लोग जोड़ के देखते हैं। लोगों का मानना है कि इसमें गोमती नदी का पानी आता है। अब वास्तव में हकीकत क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन फिर भी आइए हम नीचे चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं। इसमें अभी भी पानी देखने को मिलता है। उस ज़माने में भी गजब गजब के लोग कारीगर हुआ करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बना देते थे कि लोग पूरी दुनिया यहाँ पर आती है इस चीज़ को देखने के लिए। उन्हीं में से एक आपका ये शाही बावली है, जिसे देख सकते हैं आप। इसको लोहे की जाली से घेर दिया गया है ताकि इसके अंदर लोग ना जा सकें। और देख सकते हैं दोस्तों उसमें पानी भी है। बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस शाही बावली को बने हुए 200 सालों से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें जो पानी है अभी भी है। तो पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन जाती थी जो कि आज एक इतिहास लोगों के लिए एक मिसाल भी बना हुआ है। तो देख सकते हैं यही वो जल भंडार है। जिस समय इसका निर्माण कराया गया था, लोगों का कहना है कि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था कि उस समय यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी, चाहे और भी काम के लिए, कभी कमी नहीं पड़ती थी। इसीलिए इतने बड़े शाही बावली का निर्माण कराया गया था। इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो शाही बावली है, आप बड़ा इमाम बाड़ा, जो भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है, आप उसमें घूमेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप उसमें अकेले कोई उस इंसान को घूम नहीं पाएगा। उन्हीं में से एक आपका ये शाही बावली भी है। अगर आप इसमें भी घूमेंगे तो ये भी आपको कुछ ऐसा ही लगेगा, एकदम ठीक भूल भुलैया की तरह ये भी लगता है। अगर इसमें भी कोई इंसान अकेले आएगा घूमने के लिए तो शायद उसे भी एक भूल भुलैया की तरह ही ये जगह भी दिखेगा। बड़ा ताज्जुब होता है दोस्तों कि उस ज़माने में ऐसी ऐसी चीज़ें बन जाती थी कि आज लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। इस जगह को लोग खजाने से भी जोड़कर देखते हैं और समय समय पर लोग यहाँ पर खुदाई भी करते रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो नवाब आसिफुद्दौला थे, उन्होंने अपना जो खजाना था वो यहीं कहीं छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जगह जगह लोग बताते हैं कि खुदाई भी समय समय पर लोग किए। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आज तक नहीं पता चल पाया। तरह तरह के इस जगह का रहस्य बना हुआ है और इसी रहस्य को, इसी इतिहास को जानने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस शाही बावली को देखने के लिए आते हैं।
वास्तव में ये जो जगह है बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, कोई भी इंसान अगर इसे घूमेगा तो उसे काफ़ी पसंद भी आएगा। और देख सकते हैं ये ठीक एकदम भूल भुलैया की तरह ही है, इसके बगल में ही बड़ा इमाम बाड़ा भी है, जब हम उसमें घूम रहे थे तो वो भी हमको भूल भुलैया की तरह ही दिखा। तो कुछ ऐसा ही शाही बावली भी है, पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन जाते थे जो कि आज लोगों के लिए सब मिसाल बना हुआ है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता था, किधर जाता था, कहाँ निकलता था, ये आज लोग इसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर गली नुमा सुरंग नुमा यहाँ पर रास्ते गए हुए हैं, और मेरे लिए तो दोस्तों ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम भी जब इसमें घूमे तो हम भी इस भूल भुलैया में फंस गए और बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगे। तो आप लोग भी जब कभी भी लखनऊ सिटी आइए तो इस शाही बावली और बड़ा इमाम बाड़ा जरूर घूमिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।